subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Ye kaise hain aap log? Acha ji. Humne chapter number 18 start kiya hua tha. Isme humne determination of tax liability pad liya tha, output tax pad liya tha. और इसके बाद हमारा जो इनपुट टैक्स था ये हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसको भी काफ़ी हद तक हमने पढ़ लिया था. और इसके बाद इनपुट इस जो टैक्स लायबिलिटी के रिलेटेड ना कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे. चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, पेज 297 पे था. हाँ जी, यहाँ पर हम पहुँच गए थे और मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह आपने क्या करना है, उसकी जो है बाइफर्केशन करनी है इनपुट टैक्स की. सही है, क्यों करनी है, वजह क्या है, वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं. उससे पहले सबसे पहले हम आपको मैं बताता हूँ एक फॉर्मेट जो है हमने जैसे रखना है क्वेश्चंस हल करने के लिए, वो क्या फॉर्मेट होना चाहिए. ठीक है, एक फॉर्मेट मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की जो फॉर्मेट बताता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. ठीक हो गया, ये एक फॉर्मेट हमने अब बनाना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे ऊपर लिखेंगे आउटपुट टैक्स. वो मेरा अज्यूम कर रहा हूँ, ये मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ, 11,900 कर लो. सही है, उसके बाद हमने करना है लोअर ऑफ किन चीज़ों का, दो चीज़ों का लोअर हमने लेना है. किस किस का, एक्चुअल टैक्स. ठीक है, ये लोअर ऑफ है क्या चीज़ यार, ये इनपुट है हमारा. इनपुट जो होगा वो मेरा लोअर ऑफ होगा एक्चुअल टैक्स, इनपुट टैक्स पेड, या फिर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स. सही है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा एक्चुअल टैक्स है वो है 15,000, और इसका मैं 11,900 का अगर लेता हूँ 90%. ठीक है, तो वो मेरा कितना बन रहा है भाई, 10,710. सही है, ये मैंने कर दिया लेस. इन दोनों में से 15,000 में से और 10,750 में लोअर, 10,750 ये जाहिर है. सही है, मेरी अब जो ये वाली लाइबिलिटी कितनी बन गई, 1,190. ये क्या आ गया जी, बैलेंस पेएबल मेरा. ठीक है ना, ये मेरा बैलेंस पेएबल आ गया. अब इसमें एक आपने फिगर ऐड करनी है, बॉटम लाइन फिगर ऐड करनी है. मैं उसको लिख देता हूँ, बॉटम लाइन फिगर आपने ऐड करनी है. कौन सी बॉटम लाइन फिगर कौन सी ऐड करनी है भाई, फिक्स्ड एसेट का इनपुट. आप आगे चलेंगे ना तो हम मैं तो आपको दिखाऊंगा, एक प्रोविजन लॉ में लिखी हुई है कि ये 90% वाली ये वाली रिस्ट्रिक्शन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से जी. अब ये 90% वाली ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है कि आपने ये वाला जो लोअर ऑफ लेना है एक्चुअल पेड और 90% ऑफ आउटपुट. ठीक है, ये वाली रिस्ट्रिक्शन इसके लिए फिक्स एसेट्स के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, इसको एंड पे एज अ बॉटम लाइन फिगर शो करवा दूंगा, और यहाँ पे फिक्स एसेट और जो मुझे अलाउड टैक्स है वो मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा. ठीक हो गया ना, सही है. अब मेरा जो टोटल अमाउंट पेएबल, अब कितनी पेएबल बनी है भाई, अब मेरी टोटल पेएबल बन गई है 190 सिर्फ. ये मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी जो पेएबल है ये बनेगी. अब जब हम आगे चलेंगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आगे चलने से पहले मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉ क्या कहता है. लॉ ये कहता है कि भाई अगर ये वाला जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी है, ये वाली आपका जो एक्चुअल इनपुट टैक्स है 15,000,
आप ये 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये 15,000 को क्लेम नहीं कर सके। अच्छा, अगर इसको आप नहीं कर सके तो आप कितने को कर सकें? यार मैं 10,000 को कर सका हूँ। अब लॉ कहता है कि ये 15,000 माइनस 10,710 रुपए जो है ना, ये फिगर कितनी बनी जी? 4290। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, लॉ ये कहता है कि एक्चुअल अगर जितना आपका टैक्स पेबल एक्चुअल बना है कितना 15,000 रुपीज, उसको आप क्लेम नहीं कर सके। उसकी रीजन क्या थी? ये 90% की रिस्ट्रिक्शन, ये वाला रूल उसने लॉ ने बताया हुआ कि ये 90% आप मैक्सिमम कर सकते हैं, लोअर ऑफ एक्चुअल और 90% ऑफ इट्स आउटपुट। सही है, तो इस रूल की वजह से क्या हुआ जी, मैं अपना पूरा 15,000 जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। तो लॉ कहता है कि 15,000 माइनस जितना आपने क्लेम कर लिया है, तो ये वाली जो अमाउंट है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे नेक्स्ट मंथ के लिए। सही हो गया, तो ये मेरा नेक्स्ट मंथ की कैरी फॉरवर्ड फिगर आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी एक और बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, कि जब नेक्स्ट पीरियड आएगा, ठीक है, नेक्स्ट मेरा मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ की जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो क्या होगा? मैं यार सबसे पहले जो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले मंथ का था ना, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट जो थी मेरे पिछले मंथ की, उसको मैं लूँगा। वो कितनी आएगी? 4290। ये मैं ब्रॉड फॉरवर्ड ले लिया। फिर फॉर द मंथ जो मेरी इस मंथ की इनपुट टैक्स था वो मेरा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कितना था वो? 5,000 रुपीज। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 5,000 है ना, ये आफ्टर अपोर्शनमेंट आया है। सही है, तो टोटल मेरा इनपुट कितना बना? 9290। अब इस इनपुट को हमने 90% वाला जो रूल है वो इसके ऊपर लगाना है, इसको कंपेयर करना है 90% ऑफ आउटपुट को। ठीक है, सही हो गया ना? ये वाला जो आंसर आया है मेरा, इसको मैंने 90% ऑफ आउटपुट के साथ नेक्स्ट पीरियड में मैंने कंपेयर करना है। सही हो गया ना? ये नेक्स्ट पीरियड में, सही। ये भाई कुछ थी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, या मतलब जो भी था इम्पॉर्टेंट था। आपने क्या करना है? ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, यही वाला जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ये सारा फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। उसके लिए हमारा जो क्वेश्चंस है उसको निकालने के लिए, मतलब आंसर देने के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया रीज़न के, रीज़न बल्कि मैंने अभी आपको नहीं बताई अपोर्शनमेंट की रीज़न, रीजन फॉर अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मैं क्यों कर रहा हूं, उसकी रीजन क्या है? यार उसकी रीजन ये है कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं, कुछ इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती हैं और कुछ टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं। और जब मैंने आपको एक वो बताई थी, क्या उसे बोलते हैं, कंपैरिजन करके बताया था कि ज़ीरो रेटेड जो है इसके ऊपर हमें इनपुट जो है हमारा वो आपको रिफ़ंड मिलता है, रिफ़ंड मिल जाता है, और एग्जेम्प्ट के का जो इनपुट है वो आपको डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, और इसका आपको अलाउ होता है टैक्सेबल का। अब देखिए ये तीन डिफरेंट चीज़ें आ गई। जीरो रेटेड का जो इनपुट होगा आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट के ऊपर आप कोई भी इनपुट आपको क्लेम नहीं कर सकते, सारे का सारा डिसअलाउ होगा। जो टैक्सेबल होगा उसके ऊपर अलाउ होगा। अब जब हम गुड्स, एक बंदा है, एक वो मैन्युफैक्चरर्स कर रहा है कोई किसी भी किस्म की गुड्स और उसको वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, सही है। अब बंदा क्या कर रहा है, इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेटेड में आ रही होती हैं, सही, और कुछ उसकी सप्लाई वो एग्जेम्प्ट हो रही होती हैं, कुछ एग्जम्पशन की क्राइटेरिया मीट करके सप्लाई एग्जेम्प्ट हो रही होती हैं और कुछ उसकी टैक्सेबल हो रही होती हैं। ठीक है, अब ये अपोर्शनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको नहीं पता
उसको आइडिया नहीं होता कि भाई मेरी कितनी चीज जो है कितना इनपुट कहाँ पे लगा हुआ है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बात होगी, मैंने आपको बताया था कि जो यूटिलिटीज होती है ना, यूटिलिटीज के ऊपर जो सेल टैक्स होता है वो आपको एज अ इनपुट आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स बने हैं, 10,000 के अंदर डिफरेंट चीज़ों के यूनिट्स बने थे, उसमें ये भी है, जीरो रेटेड भी है, एग्जेम्प्ट भी है, टैक्सेबल भी है, तो आपको कैसे पता चला कि किस सप्लाई के ऊपर कितने रुपये का सेल्स टैक्स बना, सही है, किस सप्लाई के ऊपर कितने रुपये का सेल टैक्स, ये वाला जो ये क्या उसे बोलते हैं यूटिलिटीज वाला कितने का लगा, सही, ये आप कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो लॉ ने क्या कहा है कि ये कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो आप भाई अपोर्शनमेंट कर लो। तो ये रीज़न है कि हम अपोर्शनमेंट कर रहे होते हैं। अब जब अगला हम क्वेश्चन करते हैं, इसी के अंदर आगे चलते हैं जी, इधर आए जी, राइट साइड पे देखिए हम एक्सरसाइज करने लगे हैं। ओमेगा एंटरप्राइजेस हैज सबमिटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018, सही है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018 के लिए उसने जी ये डेटा आपको दे दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर, ग्रॉस सेल है, एक्सपोर्ट सेल है, जीरो रेटेड आ गई ना, एग्जेम्प्ट भी आ गई, ग्रॉस परचेजेस फॉर रजिस्टर्ड पर्सन परचेजेस आ गई, ग्रॉस परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन का क्या हल होता है भाई, इसके ऊपर परचेजेस के ऊपर हमें इनपुट मिलता है, अगर अनरजिस्टर्ड से करोगे तो इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, परचेजेस रिटर्न टू रजिस्टर्ड सप्लाईज, आपने परचेजेस की थी उसे रिटर्न कर दिया, क्या है आप रिटर्न करोगे, ठीक है, जब आप रिटर्न करोगे तो डेबिट नोट आप इशू करोगे, आपका जो सप्लायर होगा वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, सही है, आ गया याद। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेगा एंटरप्राइजेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018 फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, वो कहता है 90% वाली जो एडजस्टमेंट है ना उसको फिलहाल आप साइड पे रखें, ठीक है। अच्छा मैंने आपको पिछला जो लेक्चर था उसमें बताया था कि हमने क्वेश्चन कैसे करना है, चार कॉलम बना लेने हैं, पहला कॉलम ये बन गया जी एक, ये दूसरा, दो, तीन और चार, ये ले जी, यहाँ पे लिख दी मैंने, ये उसको ब्लैक कर लूँ, डिस्क्रिप्शन, सही है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैल्यू, यहाँ पे लिखे हैं जी रेट, यहाँ पे लिखा है सेल टैक्स। अच्छा जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी इनपुट से, इनपुट कैलकुलेट करता हूँ पहले मैं। अच्छा जी, इनपुट मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मेरी परचेजेस कितनी हुई हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिखी है परचेजेस, कितनी है जी परचेजेस, 6.5 मिलियन, ठीक हो गया, रेट 17%, आंसर कितना आया जी 1105000, नहीं जी ये आंसर आ गया। फिर आपने यहाँ पे देखा है किधर है जी, सप्लाइज गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड से कितनी आ गई जी 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख, मैं मिलियंस में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये कॉलम छोटा है, 17% रेट लगेगा इसके ऊपर, हैं जी, जीरो, कोई रेट नहीं लगेगा, वजह क्या है, क्योंकि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर आपने इसके ऊपर सेल टैक्स इसको पे भी कर दिया तो भी आपको डिसअलाउ होगा, इसलिए मैं जीरो लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपने यहाँ पे शो ज़रूर करना है, सही है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोट देना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे ये शो करना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि नोट देने के लंबे चक्रों से बच जाएं, यहाँ पे इसको शो कर दें, सही है। आगे चलते हैं जी, परचेज मेरी रिटर्न हो रही है, कितनी रिटर्न हो रही है परचेजेस, परचेज रिटर्न टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी, 0.650 मिलियन, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, रेट लगाया 17%, आंसर मेरा कितना आया भाई 1105000, ठीक है, टोटल मेरा इनपुट टैक्स कितना आ गया 9945000,
सही हो गया ना। ये मेरी इनपुट की वर्किंग थी, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ लाइन। ये मेरी इनपुट की वर्किंग थी, यहाँ पे आ रही है जी, ये कलर कर लेते हैं, आउटपुट की वर्किंग। ठीक है, सेम वैसे ही आउटपुट की वर्किंग कैसे, मेरी टोटल सेल कितनी है जी, टोटल सेल आ रही है जी 6 मिलियन की। एक दो तीन, चले इधर लिख दिया तो चलो ऐसे ही कर ले। 17% इसके ऊपर मैंने रेट लगाया और 1020000 मेरा आंसर आ गया, मेरा आउटपुट टैक्स आ गया। फिर मैंने क्या किया जी, एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट सेल की कितनी, 2.5 मिलियन की। ठीक हो गया, ये थी जीरो रेटेड और इसके ऊपर टैक्स नील। सही, इसके बाद आ गई मेरी एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितनी है जी, 505 लाख की, रेट 0.0। टोटल मेरी कितनी आ गई जी, 9 मिलियन बन रहा है ना, हाँ टोटल 9 मिलियन आ गई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे करनी है अपोर्शनमेंट। अगले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं अपोर्शनमेंट। क्यों करनी है, रीज़न आपको बता दी हुई है भाई मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले। सही है, सबसे पहले आ गई बात जी लोकल जो परचेजेज या टोटल सेल, जहाँ मैंने मतलब टोटल सेल का कहा था वो कितनी थी, 6 मिलियन। ठीक हो गया, और मेरी टोटल सेल कितनी है एग्जाम्ट और ये वो सारी मिला मिलू के 9 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय मेरा इनपुट टैक्स कितना है, इसको मैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स बोलूँगा। ठीक हो गया ना, ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स है मेरा। अब लोकल को कितना कितना इनपुट टैक्स, रुपीज़ 663, ये लोकल को अलाउ होगा। और अब मैं गया जी जीरो रेटेड यानी कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को कितनी है जी, 2500000 डिवाइडेड बाय 9 मिलियन। ठीक हो गया, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया 94500 के साथ, आंसर कितना आ गया जी, 276250। फिर आ गई एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट को कैसे किया जी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 9 मिलियन मल्टीप्लाई है 994500। अच्छा जी, इसका मैंने आंसर नहीं देखा, अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 लाख डिवाइडेड बाय 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 994500 जी। बाकी जितना भी बचा है आप देख लीजिएगा कि ये आंसर ठीक है या नहीं ठीक। 55250, ये देख लीजिएगा सही है या नहीं सही। अब ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली लोकल सेल वाली, इसको क्या करना है इसका मैं अभी बताता हूँ। ये वाली जो है ना, ये तो आपका इस पे मिलेगा आपको रिफंड। सही है, आपने अप्लाई करना है कहाँ पे, FBR में अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड का प्रोसीजर क्या है, कुछ प्रोविजंस हैं वो हम आगे जाके यहाँ पे साथ साथ आपको मैं दिखा दूंगा। और ये वाला जो इनपुट टैक्स होगा ना, इसको ये आपको मिलेगा नहीं, इसका कुछ भी नहीं, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक हो गया ना, अब इसका मैंने क्या करना है, आगे चलते हैं जी। अगले पेज पे मैं बताता हूँ हमारा जो प्रोसीजर क्या था, मैंने आउटपुट कहा था, आउटपुट कितना था, आउटपुट मेरा कैलकुलेट किया था हमने अभी, बताइए, हाँ 1020000 लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल। ठीक है, या 90%। अब उसने कहा है कि 90% वाले रूल को अपने इग्नोर कर लेना, तो एक्चुअल आपने देख लेना, 6
63, 1, 2, 3, ये आपने लेस कर देना है। आंसर देख लीजिएगा जो भी आ गया आपका, मैं भी देख लेता हूँ यार कितना आंसर आता है। 1020000-663, ये आंसर भी हाँ 357। ये मेरा ख्याल एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये मैंने किसी बुक के अंदर देखा हुआ है, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो भाई ये सारा प्रोसीजर है, आपने इस तरह से जो है ना सीरेट एक्स का क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने क्या किया जी, कॉलम बना के इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया है, ये मैं इसका कलर ये चेंज करता हूँ, ये देखें ये इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अगला प्रोसीजर या कैलकुलेशन के बाद इनकी इसकी बेस के ऊपर हमने अपोर्शनमेंट कर ली। ठीक है, अपोर्शनमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था, आगे आए हमने ये टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो कैलकुलेट कर लेनी है इस तरह से। सही है, अब हम बुक की तरफ आते हैं या बुक की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने इस तरह इसको कैसे क्यों किया हुआ है। ये मेरे मुताबिक तो भाई गलत है, अगर आप लोगों को किसी को लगता है कि ठीक है तो फिर मुझे बता दें इसकी रीज़न क्या है, क्यों ठीक इसको कह सकते हैं। ये देखें, ये इन्होंने जी जो जीरो रेटेड है उसको भी इसी के अंदर डाल के लेस कर दिया हुआ, तो मेरे मुताबिक तो इसको यहाँ पे नहीं लेस होना चाहिए। सही है, आगे चलते हैं जी। सर्टेन ट्रांजेक्शन एंड इनपुट रिलेटेड देयर टू दैट आर इनएडमिसिबल। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की है और ट्रांजेक्शन आपने कर दी है इन काइंड, ठीक है, इन काइंड का मतलब है कि पैसे आपने दिए हैं, एक बंदा है, ये पर्सन ए है, उसने गुड्स बेची हैं पर्सन बी को। ठीक है, अब इसने गुड्स इसको, अब ये भाई को चाहिए था वो इसको पैसे देते, इसके पास पैसे थे नहीं, पैसे थोड़े थे, पैसे थे इसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ इसके पास थी, इसने गुड्स खरीदी हुई थी 20,000 की। सही है, 20,000 की गुड्स खरीदी हुई थी, तो इसने क्या किया कि भाई आप मेरे पास, बी कहते हैं कि मेरे पास ना साइकिल बनाने वाली कंपनी है, तुम इस तरह करो मेरा एक साइकिल है 10,000 रुपये का, तो आप 10,000 का एक साइकिल ले लो, बाकी के ये जो 10,000 रुपये हैं ये मैं आपको कैश में जमा करवा देता हूँ, ये मैं आपको कैश दे देता हूँ। सही है, तो ए ने कहा अच्छे चलें ठीक है, आपने मुझसे, ए ने इसको गुड्स दी, ये अब इन काइंड क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है, 10,000 रुपये कैश दे रहा है और एक साइकिल दे रहा है। ठीक है, इन काइंड होगी ना ये ट्रांजेक्शन एक पूरी। अब लॉ ये कहता है कि भाई ये कर सकते हैं, ओके, लेकिन 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 एक जो मसला आएगा वो यहां पे आएगा कि आपने अगर 50,000 से कम, पहले एक लॉ था कि 50,000 से जितनी भी ज्यादा एक्सीडिंग 50,000 से अमाउंट की आपने ट्रांजेक्शन की ना, वो आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। जो ये है जी सेलर, ये है जी बायर। लॉ ये कहता है कि सेलर जो बायर के बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट से ना पैसे सेलर के बैंक अकाउंट में जाने चाहिए। ठीक है, बायर के बैंक अकाउंट से पैसे जाने चाहिए सेलर के बैंक अकाउंट से अगर 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है। सही है, फॉर एग्जांपल अगर बी कहता है यानी कि बायर कहता है कि मैंने सेलर को पेमेंट कर दी है लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दी है, तो क्या ये बैंकिंग चैनल है? यार हाँ ये बैंकिंग चैनल है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ना कि बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर टू बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ सेलर, ये जो पैसे ट्रांसफर होने, तो ये बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हो रहे होते। हाँ अगर प्रॉपर चैनल हो ना, बैंक अकाउंट से शो हो रहे हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहे हो कि हाँ भाई इसके बिजनेस बैंक अकाउंट से इसके बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो 50,000 तक से ऊपर की ट्रांजेक्शन ओके है। सही है, ये 50,000 की रिस्ट्रिक्शन है कि 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन आपने हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। अब अगर हम कर रहे हैं या इन काइंड वाला केस कर रहे हैं, ये वाला इन काइंड वाले केस में कहता है कि अगर साइकिल तो आपने दे दिया, ओके ठीक है, अमाउंट 10,000 से कम है, आप कह रहे हो कि मैं कैश में दे देने, लॉ कहता है कि नहीं, चाहे ये 50,000 से कम है, 10,000 रुपये है, आपने इसको भी बैंक अकाउंट से ही पे करनी है। सही है,
चाहे 50 से कम है, इसको बैंक अकाउंट से ही आपने पे करनी है, ठीक हो गया ना। और 180 डेज के अंदर ये होनी चाहिए पेमेंट। अगर आपने, अगर बायर ने क्या किया, इधर दे दिया इसको सेलर को, ठीक है, बायर ने सेलर को दे दिए पैसे और सेलर ने क्या किया 180 डेज गुजरने के बाद भी इसको इन कैश नहीं करवाया, तो इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, सही। आगे चलते हैं एडजस्टेबल इनपुट टैक्स। ये भाई 90% वाली बात होगी। ये कौन सी बात, ये मैं पिछली वाली स्लाइड पे चलता हूँ जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाया था। ये 90% वाली बात हो रही है भाई। इस पे वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इनपुट जो आप क्लेम कर सकते हो वो या तो आप एक्चुअल करो या फिर 90%, विच एवर इज लोअर। 90% किसका, आउटपुट का 90%। ये 15,000 का 90% नहीं भाई आपने करना, आपने जो आउटपुट है ये वाला आउटपुट, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि ये वाला जो आउटपुट है इसका आपने 90% करना है, फिर इस दोनों को आपने कंपेयर करना है, जो इनमें से लोअर होगा वो आपको अलाउ होगा। और ये 90% वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ये फिक्स एसेट के ऊपर नहीं है। अब इधर बुक पे देखें, ये सेकंड पॉइंट, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैलेंस, बैलेंस कौन सी है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडजस्टमेंट्स ऑफ इनपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 90% शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन फिक्स एसेट। सही हो गया ना। अच्छा जी, और इसका हमने करना क्या, ये मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ये लेफ्ट पे देखें, ठीक हो। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अलाउड एडजस्टमेंट्स और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स नॉट एज पर द अबव प्रोविजन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। लो जी, इन केस यहां पे जी उसको रिफंड या इनपुट टैक्स मिल जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो है ना आपको जो है आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। ये वाला, इसको अब हम पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, आप रजिस्टर्ड पर्सन मे बी अलाउड एडजस्टमेंट्स, ठीक है, या फिर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स नॉट अलाउड एज पर द अबव प्रोविजन। ये वाले, इसकी बात हो रही है, ये 4290 की, ठीक है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू द ऑडिट अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अगर किसी बंदे का ऑडिट चल रहा हो तो उसने अपनी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी की सारी उसने प्रोवाइड कर दी हुई है, ठीक हो गया, और उसने ये साबित कर दिया है कि मेरा ये जो 15,000 रुपीज़ है ये ज़्यादा था और ये 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ये वाला कम था, ये उसने साबित कर दिया है। एंड इन केस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट, ठीक है, या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो अप्लाई है। द एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स इफ शैल बी मेड ऑन द ईयरली बेसिस इन द सेकंड मंथ ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ये देखें भाई, मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो इनपुट टैक्स होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। अब यहाँ पे लॉ कह रहे हैं कि अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता गया तो क्या होगा यार, ईयर एंड हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड होता गया, अमाउंट करते कराते एंड पे फिर 5,000 रुपये जो मेरा इनपुट टैक्स पड़ा हुआ था, तो लॉ क्या कहता है कि भाई ये वाला आपको रिफंड मिल जाएगा, सही है ना, ये बातें हो रही है यहाँ पे, रिफंड मिल जाएगा और कब, सेकंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके सेकंड मंथ के अंदर जो है ना वो आपको ये रिफंड मिलेगा। आपने एप्लीकेशन भी देनी है, एवं नहीं आपको उठा के सारे दे देंगे। द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब कर सकता है इनपुट एडजस्टमेंट, ये वो सारे रूल्स। अब इसको आपने पढ़ लेना, ये एक्सरसाइज है भैया, एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट चेक किए गए हैं और ये एक अच्छी एक्सरसाइज, इसको लाजमी करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, टैक्स रिफंड असेसमेंट एंड रिकवरी। लो जी आ गया जी टैक्स रिफंड, यहाँ पे कह रहा है जी रिफंड ऑफ इनकम इनपुट टैक्स इफ रिफंड पेड एक्सीड इज द आउटपुट। अच्छा जी, रिफंड आपने क्या इनपुट टैक्स पे किया बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और द परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड एक्सीडिंग द आउटपुट टैक्स, बढ़ गया जी आपका इनपुट टैक्स ज्यादा था, ये देखें ये सेम हो रहा है ना, इनपुट टैक्स आपका ज्यादा था, आउटपुट टैक्स इसका कम था,
ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड लोकल सप्लाइज और एक्सपोर्ट मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, जीरो रेटेड और जो के लोकल सप्लाइज हैं और एक्सपोर्ट्स, और द एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी रिफंडेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ द रिफंड क्लेम इन सच अ मैनर एंड। अच्छा जी, इसमें ये इसकी बात नहीं है, ये बात हो रही है जी, मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। रिफंड, हाँ ये वाली, ये जीरो रेटेड इनपुट टैक्स रिफंड, यहाँ इसकी बात हो रही है भाई, ठीक है। इसका मैं दोबारा गलत चेंज कर देता हूँ, ये वाला गलत है, सही है, ये इसकी बात हो रही है। क्या कह रहा है कि ये आपने 45 डेज के अंदर आपने रिफंड जो एप्लीकेशन फाइल की है उसके 45 डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। इन केस द एक्सेस इनपुट टैक्स एक्सीड द सप्लाई अदर देन द जीरो रेटेड ऑफ कोर्स सच अ इनपुट टैक्स मे बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ एंड शैल बी ट्रीटेड एज इनपुट फॉर दैट पीरियड। लो जी, ये पुरानी पिछली बात कर दी उसने, ये वाली कि ये इनपुट टैक्स जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ का इनपुट टैक्स बन जाएगा। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये वाला जो है ना, अगली स्लाइड पर चलते हैं यार, यहाँ पे बताया था, हाँ ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब कैरी फॉरवर्ड होके ये अगले मंथ का, फॉर द मंथ ये वाला और ब्रॉड फॉरवर्ड, ये दोनों मेरे इनपुट बन जाएंगे। अब इस इनपुट को आपने कंपेयर करना है 90% ऑफ आउटपुट के साथ, ठीक है ना। अच्छा जी, बोर्ड में इलेक्ट सच अ कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज इट मे इम्पोज बाय द, ठीक है जी, कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। द मोड बोर्ड मे फ्रॉम द डेट एंड सब्जेक्ट टू सच अ कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एट इट डीम्स अपोज बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल डायरेक्ट द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट शैल बी अलॉन्ग विद द ड्यूटी ड्रॉबैक एट द रेट नोटिफाइड इन विद द, वो कहता है ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ ही आपको रिफंड मिल सकता है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या चीज़ होती है यार, जो ड्यूटीज आप वो क्या आता है कस्टम एक्ट के अंदर आप ड्यूटीज वगैरह पे करते हो ना, सही है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक प्रोसीजर बताया था, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप कस्टम अथॉरिटीज को जीडी वगैरह फाइल करते हैं, वो ड्यूटीज वगैरह लेते हैं, वो ड्यूटी जब हमें वापस मिलती है ना, ड्रॉ बैक होता है, वो ड्यूटी का रिफंड लेना एक्चुअली आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स डिफॉल्ट चार्ज और पेनल्टी पेएबल अंडर एनी लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय द बोर्ड द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी मेड आफ्टर। अच्छा जी, आगे चलते हैं, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये बात हो रही है इसी रिफंड, इसी टैक्स की, सही है ना। आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे जी। यहाँ पे आ जाओ, आपका जी रिफंड बन रहा था 100 रुपए का, ठीक है, फिर FBR के अंडर ही आ रहा है मेरा इनपुट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही थी 122 की, तो ऑर्डर शॉर्डर हुआ, सारा कुछ हुआ, 50 रुपये मेरा बना जो लाइबिलिटी, ठीक है, ये 50 रुपये मेरी लाइबिलिटी बन गई। अब लॉ ये कहता है कि अगर आपका इनपुट टैक्स है जो रिफंडेबल इनपुट टैक्स है वो 100 रुपये, और FBR जो एडमिनिस्टर कर रहा है जो टैक्सेस या जो भी क्या से बोलते हैं, यहाँ पे किधर लिखा हुआ है, एडमिनिस्टर कर रहा है लॉ, हाँ FBR लॉ कर रहा है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके अगेंस्ट आपकी अगर कोई लाइबिलिटी बनी है, जिस तरह ये केस चल रहा था 50 रुपये लाइबिलिटी, आपने इसको लेस कर देना है और ये 50 रुपये जो बाकी बचे हैं ना, ये वाला आपको इन जो है रिफंड मिलेगा, सही है ना। अब फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपकी लाइबिलिटी, 100 रुपये रिफंड था, तो पीआरए की लाइबिलिटी आपको की केस चल रहा था, केस की पीआरए की लाइबिलिटी आपकी 50 रुपये बनी, आप ऐसे करोगे? नहीं करोगे ऐसे, नहीं। वजह, पीआरए जो है वो फेडरल के अंदर नहीं आता, एफबीआर इसको एडमिनिस्टर नहीं कर रहा, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जो इसको एडमिनिस्टर कर रही है, तो आपका रिफंड स्टिल 100 रुपीज ही रहेगा इस केस के अंदर, सही है ना। ये आगे चलते हैं जी, वेयर द एनी रीजन टू बी रिकॉर्डेड द पर्सन शैल हैज क्लेम द इनपुट टैक्स और रिफंड विच हैज नॉट बीन एडमिसिबल टू हिम द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन द 60 डेज। और हाँ जी भाई, 60 दिन के अंदर अंदर प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट करनी है, अगर आपने इनपुट टैक्स वगैरह लेना है
और ये एक्सटेंड भी हो सकती है। आगे चलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या चीज़ होती है? किसी भी बंदे की इनकम को असेस करना, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, फलूके जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, फलूके मारना, अंदाज़ा लगाना। कैसे अंदाज़ा लगाना भाई, ये मैं पढ़ के बताता हूँ, साथ साथ पढ़ के ना बताते हैं। असेसमेंट क्या है ऑफ द टैक्स कैन बी, ये कब हो सकती है? जब कोई बंदा, उसने रिटर्न ही नहीं फाइल की, या उसकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही थी, उसने कोई मिसकैलकुलेशन की या कुछ चुस मारी, सही है, पर मिसकैलकुलेशन मारी, चुस मारी, जो भी किया उसने, तो उसकी लाइबिलिटी कम बन गई। कमिश्नर ने देखा, ना भाई ये इतनी लाइबिलिटी इसकी बन ही नहीं सकती, मैं क्या करूँगा, मैं खुद उसकी लाइबिलिटी को असेस करूँगा, ठीक है। ये होती है असेसमेंट। क्या कैसे असेस करूँगा? अब ये मैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन सी बता रहा हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो कि वो कहेगा कि आपकी लास्ट मंथ जो थी वो आपकी सेल थी जी 10 मिलियन की, ठीक है, आपने अब रिटर्न जमा ही नहीं करवाई, ठीक है, नो रिटर्न, तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी ये 10 मिलियन ही रहे, मैं इसको 11 मिलियन रिज्यूम कर रहा हूँ, अब 11 मिलियन के मुताबिक मुझे इसका टैक्स पे कर दो, सही है। या फिर आपने रिटर्न जमा करवाई है, रिटर्न के अंदर आपने कहा है कि मेरी लाइबिलिटी आ गई 7 मिलियन सेल थी मेरी, ठीक है, 7 मिलियन मेरी सेल थी, तो उसने देखा हो कि यार 7 मिलियन 11, 10 से 7 पे आ गया, 3 मिलियन का डिफरेंस आ गया, ये कोई लोचा है, कोई पंगा है, तो उसने असेसमेंट कर दी। किसने जी? कमिश्नर ने असेसमेंट की है, तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो आपकी 11 मिलियन अज्यूम करूंगा। तो ऐसे मतलब ये मैंने वैसे एक आइडिया सा दिया कि इस तरह क्या करता है, वो रीअसेस कर लेता है वो आपकी इनकम को किसी ना किसी बेस के ऊपर। दी अबव, ये पढ़ें जी, दी अबव रेफर केस एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल सर्व अ नोटिस टू शो कास्ट। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं है, इसको मतलब 11 मिलियन कर लेगा, या यहाँ पे 7 मिलियन को 11 मिलियन कर लेगा, वो क्या करेगा यार? सबसे पहले उसे कहेगा, मुझे ये, मैं 11 मिलियन करने लगा हूँ, मुझे शो योर कॉज कि मैं 11 मिलियन ना करूँ, ठीक है, मुझे रीज़न, कॉज, रीज़न शो करो कि मैं 11 मिलियन ना करूँ, शो कॉज। नोटिस देता है, एक नोटिस में क्या लिखता है कि भाई मैं आपकी लाइबिलिटी जो है ना, आपकी सॉरी इनकम या सेल 11 मिलियन करने लगा हूँ, यू शुड शो मी अ रीजनेबल कॉज, ठीक है, एक रीजनेबल कॉज शो करो कि मैं आपकी लाइबिलिटी इतनी ना करूँ। फिर क्या करता है जो टैक्स पेयर है बेचारा, जो है वो उसका रिप्लाई करता है, रिप्लाई में अगर उसको पसंद आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आता तो वो इसको रीअसेस करता है। असेसमेंट के बाद क्या करता है जी? एक ऑर्डर पास करता है, सही है, असेसमेंट का एक ऑर्डर पास कर देता है, उसमें बता देता है कि भाई आपकी जो लाइबिलिटी इतनी नहीं इतनी बनती है, सही है। हाउ एवर द नोटिस स्टेटेड अबव, द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट शैल बी एबल इफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट एंड पेज द पेनल्टी, ठीक है, अगर उसने आफ्टर ड्यू डेट और पेमेंट कर दी है और पेनल्टी वगैरह जो है वो जमा करवा दी है, तो इसने पंगे पे नहीं पड़ेंगे। वेयर द पर्सन फॉर एनी रीजन स्पेसिफाइड इन फर्स्ट पैरा अबव हैज नॉट पेड द टैक्स ड्यू ऑन द सप्लाइज मेड बाय हिम और मेड शॉर्ट पेमेंट हैज क्लेम्ड द इनपुट टैक्स और रिफंड विच इज नॉट एडमिसिबल, द इनलैंड रेवेन्यू जो है होगा क्या करेगा भाई? मेक असेसमेंट कर देगा। ये आपने याद कर लेना भाई, इसको वो क्रैम कर लेना है, ये इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इस वजह से ये रीज़न है किस किस वजह से असेसमेंट करता है और पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, तो ये रीजंस आपने याद कर लेनी है। वेयर द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द टैक्स अंडर द, और उसने एक बंदा था जिसकी जो कि विद होल्डिंग एजेंट था और उसने विद होल्ड करना था टैक्स, लेकिन उसने किसी वजह से टैक्स विद होल्ड नहीं किया, जब विद होल्ड नहीं किया तो फिर उसकी असेसमेंट हो सकती है और बढ़ सकती है। फिर आगे बात करिए, द ऑर्डर अंडर द अबव पैराग्राफ शैल नॉट बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अनलेस अ नोटिस टू शो कॉज गिवन इज गिवन विद इन 5 ईयर्स टू द पर्सन इन डिफॉल्ट, सही है। आपने ये जो नोटिस है ना वो 5 सालों के अंदर अंदर पे करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ना ऐसे टाइमलाइन बना लेते हैं, ईयर 1, ईयर 2,
ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव। अब जो बंदे ने यहाँ पे क्या किया जी, ये ईयर ज़ीरो है। अब यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट किया। अब इसके पास 5 साल हैं कि दुआएं करें 1, 2, 3, 4, 5 कि वो बच जाए। 5 साल के बाद जब यहाँ पे छठा साल आएगा ना, तो वो रीअसेसमेंट उसकी नहीं, असेसमेंट नहीं हो सकती। कमिश्नर जो है इसकी असेसमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई केस वगैरह चल रहा है, यहाँ पे आया जी कोई केस उसका चल पड़ा इसी डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट, कोई शो कॉज नोटिस इशू हो गया या कोई और केस चल गया, ठीक है, उसी ईयर का, ठीक है, ये ईयर अगर हम कहते हैं सन 2000 ही है, चले ऐसे कर लेते हैं, इसको 2000 अज्यूम कर लेते हैं, और ये 2000 का कोई यहाँ पे कोई और प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसकी, और वो यहाँ पे 2 में आके वो एंड हो गई, ठीक है, 2000 की थी, 2002 में आके एंड हो गई। अब आप कहोगे कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये 2005 में जाके मेरा केस जो है इस मतलब ये वाला ईयर ज़ीरो वाले का आप रीअसेस नहीं कर सकते, तो लॉ कहता है ना मेरा लाले ऐसा नहीं है, आपका ईयर एंड हुआ है यहाँ पे 2 में, आप यहाँ से आगे आपका ईयर एंड हुआ है 0 में, लेकिन आपकी प्रोसीडिंग एंड हुई है 2 में। अब 2 से आगे चलें 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2007 तक बात चली जाएगी, ठीक हो गया ना, तो 2007 तक ये रीअसेसमेंट हो सकती है। या पढ़ लीजिएगा इसको, The order under the above paragraph shall not be made by the officer of Inland Revenue unless a notice to show cause is given within 5 years to the person in default. The notice shall specify the grounds on which the officer intended to proceeding. The Inland Revenue shall इसके बाद अगला, the order as referred above shall be made within 120 days for issuance of शो कॉज नोटिस और विद इन द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड एट कमीशन में फिक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो मैंने 11 मिलियन वाली बात कर रहा था कि 11 मिलियन करेगा वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा, शो कॉज नोटिस इशू करने के 120 डेज के अंदर अंदर ना, किधर गया ये 120 डेज के अंदर अंदर उसने क्या करना है जी, ऑर्डर इशू कर देना है, सही है ना। Where the registered person failed to file the return, the officer of Inland Revenue, don't know the, ये भी ये पढ़ लीजिएगा आप, recovery of the short paid amount withheld, हाँ जी जी, where the registered person pays the amount of tax less, कम उसने amount of tax pay कर दी है, किधर गया जी, less than the tax due as indicated in this return. The short payment of tax withheld default shall be recovered from the person. हाँ जी, ये भाई क्या उसे बोलते हैं, एक बंदा है बेचारा मासूम से बंदे ने डिफॉल्ट कर लिया, ठीक है, डिफॉल्ट कर लिया या उसने कोई पेमेंट पैसे पे करने थे, डिफॉल्ट कैसे, लेस पेमेंट की बेचारे ने, पैसे नहीं थे ना, तो मजलूम ही होता है टैक्स पेयर, ऐसे ही कहते हैं, जब पैसे नहीं थे उसने कहा है कि आप मैं कम पेमेंट कर देना, लॉ कहता है मैं क्या करूंगा उसके जो मैं एसेट्स हैं ना उसको सीज कर लूंगा खा जाऊंगा मैं, या फिर मैं क्या करूंगा उसके बैंक अकाउंट्स अटैच कर लूंगा, ठीक है, ये देखें कितना सख्त है लॉ, बैंक अकाउंट्स अटैच हो रहे हैं, ये 2 ऑप्शन है भाई, या मैं ऐसे रिकवर कर लूंगा या मैं ऐसे रिकवर कर लूंगा, बस ये लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है, सही है। ये हमारा भाई जी शुक्र है चैप्टर जो एंड हुआ, इसके बाद हमारा ये वाला रिटर्न्स रिकॉर्ड्स वगैरह वाली चीज़ें रह गई हैं, ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे। देखें जी, ईद का दिन है और मैं क्या कर रहा हूँ, सीए कर भी रहा हूँ करवा भी रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, तो आपने क्या करना है भाई, ये डेडिकेशन चेक करें ना हमारी, ये बस चेक नहीं की करनी डेडिकेशन, आपने खुद भी डेडिकेशन शो करनी है। जब हम ईद वाले दिन के ऊपर जी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बैठे, सही है, तो आपको भी चाहिए जरा ना ध्यान करें और ईद भी इंजॉय करें और उसके साथ पढ़ें भी भाई, और मेरी तरफ से भाई आपको लोगों को ईद मुबारक, ठीक है, ये ऐसे करके।
और ईद में भाईजान हमें भी याद रखिएगा ईद में दुआओं के अंदर, सही है, और ईद की नमाज़ पढ़ें। कुछ लोग होते हैं, कुछ मम्मी डैडी बच्चे होते हैं नहीं पढ़ते, सही है। मेरे हमारे यहाँ यहाँ पे मैंने देखने को काफ़ी दवा आया है। तो भाईजान कोशिश कर रहे हैं आपका सिलेबस जो है टाइम से एंड हो जाए, और ये कुछ देसी सा जुगाड़ मैंने लगाया हुआ है, ये आप साइड पे देख रहे हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको कुछ जो मेरी हैंड राइटिंग है वो नज़र आ रही है। तो ये देसी सा जुगाड़ लगा के हमने ना कुछ किया है, तो आप भी भाई कुछ ना कुछ करें और पेपर पढ़ें और पास करें, ताकि आप यकीन जाने, मतलब आप सोच नहीं सकते कि अगर आप में से कोई एक बच्चा भी इस लेक्चर को पढ़ के या इससे कुछ चीज़ें समझ के पास हो गया ना, तो मेरे लिए वो कितना वो बड़ा इनाम होगा, सही है। तो यार पढ़ा कीजिएगा, और अगर मुझे आपको लग रहा है कि कोई भी इसमें कोई कमी वगैरह है हमारे लेक्चर के अंदर, ठीक है, वो आप ज़रूर शेयर करें। तो बाकी आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर लें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाँ कभी कभार लेट में रिप्लाई कर देता हूँ तब, लेकिन मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। तो सही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। बस जी दुआओं में याद रखिएगा, ईद की खुशियों में याद रखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन की खिदमत करें, नमाज़ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसके बगैर आपका सीए भी नहीं होएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला से जब इंसान दूर हो जाता है ना, दुनिया में आखरत में दोनों में, फिर बंदा ऐसे ही तके ही खाता है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। नमाज़ पढ़िएगा, अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करें, ना कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, अरसलान के लिए, जुनेद भाई के लिए और मेरे लिए, हमारे तीनों की जो टीम बनी हुई है पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।